अटेंडेंस लगाई क्या? अटेंडेंस लगा दी है? लगा? वो नया डॉक्टर बहुत चेक करता है। कौन विदेशी? हाँ, लिस्बन से जो आया है। लगता है लिस्बन तो नहीं है। कुछ हो रहा है अपनी इज्जत। चलो देखते हैं क्या कर लेगा आगे में। करना ही क्या है, कुछ भी हो हमें तो अपना काम करना है। अरे तो दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में फैसला दे दिया है। टीवी पे दे तो रहा था कुछ। हाँ, अरे बड़ा हंगामा मचा है, बुद्धिजीवियों ने बड़ा हंगामा मचाया है इस बात पर। और तो और जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने महफिल बैठा ली है। अच्छा? हाँ, उसका विरोध कर रहे हैं। अरे लेकिन हमको क्या है, हमको तो अपने काम से मतलब है। नो, इट्स नॉट नीडेड डॉक्टर। ने फैसला क्या दे दिया, लिस्बनों की चांदी ही चांदी है, पता नहीं अपनी चांदी कब होगी। अरे हाँ, अब तो सैटरडे है। अच्छा सुनो। हाँ। ये पकड़ो 35 रुपए। इसका लेना है गद्दा। और ये अलग से लो 10 रुपए। इसका लेना है घुघनी। घुघनी सुबह घुघनी चने वाला भी। बीड़ी का पैकेट मेरे तरफ से रहेगा और माचिस भी 2 बजे तक। उसके बाद बीवी के पास। बीवी के पास हाजिर एकदम टनाटन। अच्छा सुनो, बाकी सब जिम्मेदारी तुम्हारी, उसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा चलो, साहब ने काम भी पूरा कर लिया होगा। हम इस तरीके से मौत के सही कारण का पता नहीं लगा सकते हैं सर। आपने हमें बॉडी का पार्ट्स खोलने ही नहीं दिया, और जब तक हम हार्ट और लीवर नहीं खोलेंगे तब तक हम मौत के सही कारण का पता कैसे लगा पाएंगे सर? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है और कुछ नहीं। आई नो यू आर अ वेरी टैलेंटेड यंग डॉक्टर, लेकिन क्या है, व्यवस्था और यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। जितने कम में हमारा काम हो जाता है उससे ज़्यादा चीर फाड़ करके क्या फ़ायदा। हमारे पास तो कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब आप अपना कोरम पूरा कर दीजिए सिर्फ एक हल्का सा चीरा लगाकर, बाकी की रिपोर्ट तो आप खुद ही भर दीजिए। डॉक्टर परवेज, यहाँ सच्चाई कौन जानना चाहता है? जैसे लोग वैसी व्यवस्था। आप सिडनी से अभी अभी पढ़कर आए ना, इसीलिए ऐसा सोचते हैं। कभी हम भी ऐसा ही सोचते थे। खैर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए रिपोर्ट लिखते हैं।
तरह सब ठीक हो जाएगा, हम सब कर देंगे। हो जाएगा, सब हो जाएगा। अजय तुम्हारे बच्चे का एडमिशन का क्या हुआ? अरे उसी लिए चिक चिक करती रहती है उसकी मम्मी, हमने कहा हो जाएगा चिंता मत करो। तो मेहरारू खूंटे से बांध के नहीं रख सकते? अरे मेहरारू का कोई गाय बैल भैंसे के खूंटे से बांध के रखे हैं। ऊपर से कहती है कि दारू पीते हो तो तुम्हारा बाल दाढ़ी सब पक गया है, बाल झड़ गया है, पूरे लगते हो। तो महाराज मानो से दारू नहीं पीएंगे और क्या पीएगा? अरे ठीक है, लेकिन अब बाल बच्चे हैं, परिवार है, उसको भी देखना है। अब जुलाई का महीना गया है, बच्चे का एडमिशन कराना है, कैरी पीछे पड़ेगी। इसीलिए रात को जाते हैं, सो गए, सुबह जगे, यहाँ आ गए। औरत फ्लैट लेने को कहती है सरकारी क्वार्टर में पानी छूता है। फ्लैट की जगह जमीन खरीदो, घर बनाओ। फ्लैट तलट का मालूम है तुमको? डॉक्टर परवेज, एंट्री और डिलीवरी फाइल पर साइन लेकर इन्हें बॉडी डिलीवर कर दो। आप बॉडी को ले जा सकते हैं। बरसात में सीलन हो जाती है पूरे चार तरफ दीवार में। औरत कहती है कि नया फ्लैट ले ही लो। अब फ्लैट नहीं, जमीने के चक्कर में पड़ो तुम। फ्लैट में हजारों टेंशन है, वो पानी का बिल भरो, बिजली का बिल भरो। रविराज, बॉडी को स्ट्रेचर पे शिफ्ट करके बाहर ले आओ। दस्तखत कीजिए। नहीं कर सकते सर। रविराज जी साहब, स्टाम्प पैड लाना। आप लोग लाश को कैसे ले जाएंगी? मेरा मतलब है कि कोई एम्बुलेंस। साहब वो क्या, पानी में कूदकर सुसाइड किया था, लंग्स में पानी भरा था, इसके अलावा कुछ नहीं मिला, जिसे हम रिपोर्ट में लिख दें। साहब हम इसे कहाँ ले जाएंगे? हमारे पास तो वापस जाने के भी पैसे नहीं है। देखिए, जहां अंगूठा लगवाना हो लगवा लो साहब, पर हमें छोड़ दो। तीन दिन से भूखे प्यासे इस ऑफिस से उस ऑफिस दौड़ रहे। हम झाड़ू बर्तन करने वाले लोग हैं साहब, बहुत गरीब है। मरद तो दारू पी पी के मर गया, ये बच्चे कमाने लायक हो गए तो वो भी मर गए। देखिए, यदि आप चाहें तो लाश को मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को सौंप सकती हैं, और उसके बदले में सरकारी रेट से जो पैसे मिलेंगे आपको दे दिए जाएंगे। पर वहाँ उसका दाह संस्कार तो होगा ना साहब? नहीं, वहाँ स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, रिसर्च।
उसके बाद म्यूनसिपलिटी के हवाले कर देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं। हाँ, यदि मशीन खाली रही तो जला देते हैं। सोच लीजिए, क्योंकि 11 बज चुके हैं और 12 बजे के बाद हम चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आज सैटरडे है और 12 बजे के बाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डेड बॉडी कोल्ड स्टोरेज बंद हो जाते हैं। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाश आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है सर, आप जैसे। इसे रखिए, मैं पर्ची गार्ड के दे देता हूँ, बाकी पैसे आप सोमवार को आके ले जाइएगा। रविराज जी सर, बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर मेडिकल कॉलेज भेज दो। डॉक्टर परवेज, आप यहाँ पर साइन लीजिए और यहाँ पर इनके साइन ले लीजिए। ये फाइल सीएमओ को भिजवा देना। मैं घर जा रहा हूँ, टुडे सैटरडे, सो ऑल ऑफ यू कैन लीव आफ्टर हाफ एन आवर। स्टॉप, वहां दीदी के साथ क्या होगा? छेड़छाड़ होगा। मतलब उसके सारे कपड़े उतार देंगे? वहाँ डेड बॉडी की पढ़ाई होगी, कपड़ों की नहीं। चलो हटो, चलो हटो, काम करो। नहीं साहब, साहब ये कपड़े मेरे हैं, नए हैं, मुझे ये कपड़े दे दो, मैं पहनूंगी इन्हें। वाह, क्या ये कपड़े तुम फिर से पहनोगी?